हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप लोग। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर वन जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, तो उसका मैं लेक्चर नंबर 4 लेकर आ रहा हूं। और आज इस लेक्चर में आज आपको हम बताएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मीन्स किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड है। चार्जिंग का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी को चार्ज करना। चार्जिंग का मतलब होता है बच्चों किसी बॉडी को चार्ज करना। अब वो चार्ज में क्या हो सकता है, या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा या तो क्या होगा, बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा। तो किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए या फिर उस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करने के लिए कितने मेथड बताए गए हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे राइट है मेथड ऑफ चार्जिंग। सो ओके बच्चा, लेट स्टार्ट द क्लास। बेसिकली देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग स्टूडेंट। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का थ्री मेथड होता है। मेथड ऑफ चार्जिंग में आपको ये पढ़ना है कि किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड होता है, थ्री मेथड। फर्स्ट जो मेथड होता है वो आपका होता है फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड मेथड कंडक्शन मेथड। एंड थर्ड इज व्हाट, इंडक्शन मेथड। तो स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड कंडक्शन, एंड थर्ड मेथड व्हाट, इंडक्शन। सो इंडक्शन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके एनसीईआरटी बुक में इंडक्शन मेथड से क्वेश्चन आया है और पूछ रहा है कि उसमें अनचार्ज बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी के। मतलब किसी भी अनचार्ज बॉडी या फिर चार्ज बॉडी को आप कनेक्ट भी नहीं कराए, एड भी नहीं कराए, संपर्क में भी नहीं लेकर आए, फिर भी वो बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है, वही चीज होता है इंडक्शन मेथड। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकेंड कंडक्शन, एंड थर्ड इज व्हाट, इंडक्शन। ये थ्री मेथड, ये तीन विधियां होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन, सेकंड मेथड कंडक्शन, एंड थर्ड मेथड इज इंडक्शन। और ऐसा देखिए जिससे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा। और लास्ट में बच्चों मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि ये इंडक्शन मेथड अगर आपको लास्ट में समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट में आएगा, तो अगर ये इंडक्शन मेथड समझ में आ गया तो आपका जो कैपेसिटर चैप्टर तो कैपेसिटर में जो सेकंड प्लेट होता है वो ऑलवेज इंडक्शन मेथड से क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। उस पर जो चार्ज आता है वो इंडक्शन मेथड से आता है। तो इसलिए क्या करेगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा जिससे आपको इंडक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। आज के बाद आपसे कोई फ्रिक्शन मेथड पूछे तो वो भी आप क्लियर कर ले जाओ, कंडक्शन मेथड पूछे वो भी क्लियर कर ले जाओ, इंडक्शन मेथड पूछे वो भी क्लियर कर ले जाओ। तो किसी बॉडी को चार्ज करने का थ्री मेथड होता है बच्चों, फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन, थर्ड वाट इंडक्शन। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सबको देखते हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा फ्रिक्शन मेथड। ओके, फर्स्ट इज फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या क्या है, यहां पर राइट हुआ है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको पता चल गया होगा, फ्रिक्शन मतलब होता है कि एक बॉडी को मैं क्या करूंगा, दूसरे बॉडी से रब कराऊंगा। एक बॉडी को क्या करूंगा, दूसरे बॉडी से रब कराऊंगा। तो जब दोनों बॉडी को हम रब कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी निकल के दूसरे बॉडी में जाएगा। तो देखते हैं कैसे। सपोज कर लो आपके पास, तब दिमाग में बात ये रखिए सबसे पहले कि फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, बॉडी को रगड़ते हैं, रब कराते हैं। दो अनचार्ज बॉडी रहेगा, उसको हम क्या कराएंगे, रब करा देंगे। और जैसे ही रब कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इलेक्ट्रॉन्स जिससे निकलता है उस पर पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस पर जाता है उस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो लेट्स सी, सपोज दैट यू हैव टू गिवन टू बॉडी, आपको दो बॉडी दिया है ए एंड बी, एंड बी। क्या किया गया, बॉडी ए को बी के ऊपर रख करके ऐसे रगड़ा जा रहा है। जब इसको रगड़ रहे हैं तो होता क्या है, या तो ये बॉडी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इट में भी ये बॉडी इसको दे सकता है। तो ये डिसाइड नहीं होता है। तो फिलहाल कुछ चीजें ऐसे पता रहे, जैसे ग्लास रॉड की मैं बात कर दूं, एबोनाइड की बात कर दूं, सिल्क की बात कर दूं, कैट स्किन की बात कर दूं, ड्राई हेयर की बात कर दूं,
काउंट की बात कर दूं तो इन सबको आपको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि किसके पास कौन सा चार्ज होता है। फिलहाल ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी की कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, वो उस चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, तो सपोज दैट बॉडी ए बॉडी बी, तो बॉडी ए को मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी बी के ऊपर रब्ड कराया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो जब इसको हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इट में भी ये क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन्स देता क्यों है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कैप्चर करने की, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज्यादा है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, रब कराते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइट हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद यहां पे चला आएगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो होता क्या है, फ्रिक्शन मेथड इज अ काइंड ऑफ अ मेथड इन विच द वन बॉडी इज रब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड बॉडी फ्रॉम विच द वन सरफेस इज पॉजिटिव, वन बॉडी इज पॉजिटिव एंड अंदर बॉडी यू आर नेगेटिव। मीन्स होता क्या है कि फ्रिक्शन मेथड में बॉडी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रगड़ते हैं। तो घर्षण विधि से क्या होता है, एक बॉडी पे पॉजिटिव हो जाएगा और एक बॉडी पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये इक्वल अमाउंट में होता है चार्ज, जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा जितना यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इस चीज को मैं पहले से बता चुका हूं। सपोज दैट यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहां निकल के उतना जाएगा, तो उतना प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और जितना यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दिस इज व्हाट द फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड में क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रख करके हम रब कराते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, रब कराते हैं। तो रब कराने पर क्या होगा, एक बॉडी क्या करती है, दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगी, और जिसको डोनेट करती है उस पर नेगेटिव हो जाएगा, और खुद के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिमाग में आता है कि कैसे हम जान पाएंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहां पर मैं कुछ राइट कर दे रहा हूं। तो फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। ओके, फर्स्ट जो आपका ग्लास रॉड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ग्लास रॉड होता है स्टूडेंट उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव होता है वो होता है सिल्क। ओके, नेक्स्ट कैट स्किन, जो बिल्ली की खाल होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एबोनाइट होता है, एबोनाइट रॉड, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट ड्राई हेयर, तो जो ड्राई हेयर होता है हमारा वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उससे जो हम काम को रब कराते हैं तो कॉम्ब पे का कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसी वजह से क्या करते हैं कि जब हम किसी भी अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं तो बाल हमारा क्या हो जाता है, स्टैंड हो जाता है। कोई पूछ सकता है कि बाल हमारा जब बाल को जब कंघी करते हैं तो वो हमारे स्टैंड क्यों होता है, तो आप बताओगे कि हमारे ड्राई हेयर के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और कॉम्ब के पास कौन सा होता है, नेगेटिव। तो उनके बीच अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमारा बाल खड़ा हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो इसको क्या करिएगा, आपको लर्न करना है ग्लास रॉड पॉजिटिव, कैट स्किन पॉजिटिव, ड्राई हेयर पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव, एबोनाइट रॉड नेगेटिव, कॉम्ब नेगेटिव। ओके, सो ये तो टेबल था, मैंने बताया आपको टेबल था ये, कि कुछ चीजों के बारे में जान सकते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें मैंने बताया कि किसके पास पॉजिटिव होता है, किसके पास नेगेटिव होता है। ओके, तो आपका सेकंड मेथड है कंडक्शन मेथड। सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कंडक्शन मेथड, लेट्स सी। सेकंड मेथड इज कंडक्शन मेथड। स्टूडेंट फ्रिक्शन मेथड में क्या था, मैंने बताया था फ्रिक्शन मेथड में बॉडी को रब कराते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो कंडक्शन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड में बॉडी को हम रब नहीं कराते हैं, बॉडी को वो एक्चुअली में कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं। बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट
बॉडी कम्स इन एक्चुअली कॉन्टैक्ट, इसमें बॉडी क्या होती है, वो वास्तव में संपर्क में आती है। तो जब संपर्क में आती है वो बॉडी कैसे चार्ज होती है उसको हम देखते हैं अच्छे से। ओके, तो यू हैव टू गिवन अ बॉडी ए, आपके पास एक बॉडी ए है और इस पे सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और एक बॉडी यहां पे है, ये बॉडी क्या है बी है, इसी को चार्ज करना है, इसी को क्या करना है चार्ज करना है, ए एंड बी दो बॉडी हैं, तो इनको क्या किया गया कॉन्टैक्ट में लाया गया। तो जैसे देखो कुछ लोग बताते हैं कि यहां से प्लस चार्ज उसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इसका प्लस चार्ज इसमें नहीं जाता है। होता क्या है, कभी प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मूव होना पॉसिबल ही नहीं होता है। मूव कौन होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं लाइटर होते हैं, किसके कंपैरिजन में प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो ऑलवेज जो ट्रांसफर होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स कभी नहीं होता है। तो अगर कोई टीचर्स कह रहा है कि यहां से कुछ प्लस चार्ज इसमें चले गए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, एक्चुअली में क्या होता है मैं समझा रहा हूं कि जब ए को बी से रब कराते हैं तो ए क्या करता है, इसके पास प्लस चार्ज है और यहां पे बी क्या है न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब ये कि जितना इस पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना इस पे प्रोटॉन होगा, तो ये प्लस की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, तो क्या करेगा इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे इस तरफ, सपोज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ये क्या करेंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, तो यहां के इतने को इतने क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ओके, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, अब अमाउंट की अभी हम बात करेंगे, अमाउंट की अभी बात करेंगे कि कितना किस पे पॉजिटिव आता है कितना किस पे निगेटिव, उसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं पहले से। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि एक बॉडी था हमारा प्लस 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 प्लस, ओके यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है न्यूट्रल है। तो मैंने क्या बताया कि बॉडी ए को जब बॉडी बी की देखो ये कैसे हैं एक्चुअली कांटेक्ट में, इनको रब नहीं करा गया एक्चुअली बिल्कुल कांटेक्ट में ऐसे हो गए चिपक गए हैं, तो चिपकने से क्या होगा जो पॉजिटिव वाला होगा इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास, इससे क्या करेगा कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा ए भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिवली ही चार्ज हो जाएगा, और इस पे क्या होगा कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज का कुछ अमाउंट क्या होता है कम हो जाता है। ओके, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जब चले जाएंगे तो यहां पे कैसा नहीं चला जाएगा पॉजिटिव का, और यहां पे क्या हो जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे। अब वो कितना होता है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, यहां पे ट्रिक है, सपोज करो इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है क्यू चार्ज है और इसके पास कितना चार्ज है जीरो कूलम्स, तो जब इनको कॉन्टैक्ट में लेकर रहोगे तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, बात तो वही हुआ कि मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ये आया कहां से, क्योंकि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं इसके अंदर, तो यहां पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पे भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बट यहां पे कुछ पॉजिटिव कम हो जाएगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आगे इसको क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करा देंगे, और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज करा देगा यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो कुछ कम हो जाता है, कुछ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो सपोज कर लो यहां पे क्यू चार्ज है, यहां पे कितना है जीरो कूलम चार्ज है, तो जब इनको कॉन्टैक्ट करा देंगे कॉन्टैक्ट कराने के बाद जो चार्ज होता है हर एक पर चार्ज ऑन बॉल ए आर बी वो हो जाता है दोनों का सम अपॉन टू इज इक्वल टू क्यू बाय टू, मीन्स हाफ हाफ हो जाएगा 50-50 हो जाएगा चार्ज। ओके, तो यहां पर हमारी बॉडी क्या हो गई चार्ज भी होगी, उस पर चार्ज कितना आया है क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू चार्ज ए बी भी होगा और बी भी होगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपके पास अगर दो बॉडी है ए और बी, इसके पास चार्ज क्यू वन उसके पास चार्ज क्या हो क्यू टू हो, तो अगर मैं इसको कॉन्टेक्ट में लेकर आता हूं तो कॉन्टेक्ट में लाने के बाद फिर सेपरेट कर देता हूं, तो और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये बताओ हमें कि चार्ज कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, ये बताया गया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगा है,
क्यू प्लस जीरो क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, तो कितना हो गया क्यू बाई टू, मतलब 50% चार्ज यहाँ पे 50% चार्ज यहाँ पे, ओके। तो 50-50 का क्या हो जाता है, साझा हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने समझा कि कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ओके। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, बॉडी एक्चुअली कम्स इन कॉन्टेक्ट, वास्तव में बॉडी क्या करती है, कॉन्टेक्ट में आती है, और कॉन्टेक्ट में जब बॉडी आती है तो ये क्या करता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और न्यूट्रलाइज कर देता है कुछ चार्ज को, अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ जाता है, क्यू बाई टू, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ले लिया तो न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन इस पर भी कैसा ही चार्ज है, पॉजिटिव ही चार्ज है, ओके। तो बच्चा इट वॉज अबाउट द कंडक्शन मेथड, लेट्स सी द थर्ड मेथड, इंडक्शन मेथड। So third method is induction method. Induction method. Induction में क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाती है, बॉडी चार्ज Without any physical connectivity, this process is called the what? Induction method. तो induction method में मैंने क्या बताया कि जो body होती है हमारी charge होती है, मतलब एक uncharged body रहेगा और एक charged body रहेगा। तो इसके पहले फ्रिक्शन में क्या किया था, रब करा दिया था, कंडक्शन में क्या किया था, बॉडी को चिपका दिया था, बट यहां पे क्या है, ना तो बॉडी को आपको रगड़ना है ना तो बॉडी को चिपकाना है, उनको सेपरेट करना है, दूरी पे ही रख के क्या करना है, बॉडी को चार्ज कर देना है। तो ये जो प्रोसेस होता है चार्ज करने का, उसी को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच द बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी, इंडक्शन मेथड इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच द बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी। तो लेट्स सी हाउ चार्ज टू बॉडी एनी विदाउट फिजिकल कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, अगर किसी बॉडी को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, तो उसके अपोजिट लेकर आओगे, बॉडी जो आएगी उसके बगल रखी जाएगी, उसका अपोजिट निगेटिव वाला होगा। तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज करना है तो उसका अगेंस्ट क्या लाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का एक कंडक्टर लाना पड़ेगा। तो टेक अ क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे हम समझते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान देखिएगा, एनसीईआरटी में कह रहा है कि एक आपके पास ऐसे बॉल या कंडक्टर है, इसको सपोज दैट आपको नेगेटिवली चार्ज करना है, यहां पे चार्ज क्या कराना है, नेगेटिव चार्ज लाना है। तो इसको नेगेटिव चार्ज से क्या कर दो, चार्ज कर दो, इस पे नेगेटिव चार्ज लेकर आओ, तो कैसे ला पाओगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो इसके बगल जो कंडक्टर लाया जाएगा, इसके बगल जो कंडक्टर लाया जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसको पॉजिटिव करना होता तो इसके बाद में क्या लेकर आता, उसका नेगेटिव उल्टा वाला लेकर आता, ओके। तो यहां पे ये है न्यूट्रल, ये कैसा है, न्यूट्रल बॉडी है, अभी ये चार्ज नहीं है, मींस कह सकते हैं जितना इसे प्लस होगा उतना ही मान, इसकी वजह से क्या होगा, उनका स्थान जीरो हो जाता है, ओके। तो इसका स्टेप वन, इसका स्टेप वन समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये है कंडक्टर, स्टैंड पे हो गया, नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसके बगल क्या लाएंगे, एक कंडक्टर लेकर आओगे, इस पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो इस कंडक्टर के पास, सॉरी इस कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को इसके बगल लेकर आओगे तो पॉजिटिव की टेंडेंसी होती है कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने की सोचता है,
इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए चाहता है तो क्या करेगा, इसको पोलराइज करा देगा। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव होता है और क्या होता है निगेटिव, जितना इस पे प्लस है उतना इस पे क्या है माइनस भी होता है ना, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है प्लस की ओर भागता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा इस साइड में आ जाएगा और प्रोटॉन क्या हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा। ओके, इस साइड में नेगेटिव हो गया, इस साइड में क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है वो देखिए, स्टेप टू। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है, तो पॉजिटिव चार्ज रिमूव कब हो सकता है जब इसको हम किससे करंट करा दें, ग्राउंड से। तो इसको करंट कराइए ग्राउंड से स्टेप सेकंड में, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया फिर पॉजिटिव, इसको मैं ला रहा हूं कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। तो अब ग्राउंड से क्या होगा, ग्राउंड के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है, ग्राउंड क्या होता है ग्राउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स का स्टोरेज है बहुत बड़ा सा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालो चाहे डाल दो कोई फर्क पड़ने वाला, जो सॉरी अर्थ की कैपेसिटी पर, जो अर्थ होता है उसकी कैपेसिटी इन्फाइनाइट होती है, बहुत काम देगा आगे। तो यहां से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहां से पॉजिटिव पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और यहां पर क्या बनेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचता क्या करिएगा, इसके बाद इसको रिमूव कर लीजिए। स्टेप सेकेंड हो गया, स्टेप थर्ड देखिए, बॉल है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव तो रिमूव हो चुका है, पॉजिटिव क्या हो गया रिमूव हो चुका है ना, क्योंकि कहां पे लगा है ग्राउंड में, या कह सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, ग्राउंड नहीं जाएगा पॉजिटिव नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन्स खुद ही आता है यहां से मूव करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव का मूव नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स यहां पर झुमझुम झुमझुम करके यहां पहुंचता है, प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया, अब इसका लास्ट प्रोसेस क्या है स्टेप फोर, स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर में क्या करना है, अब इसको हटाइए, इसको रिमूव कर दो प्लस वाले को, और जैसे ही प्लस को रिमूव करोगे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेंगे रिपल करेंगे, क्योंकि क्या है यहां पे लाइट चार्ज है, चार्ज कैसे हैं लाइट चार्ज है, और लाइट चार्ज करते क्या है रिपल करते हैं। तो जैसे इस पॉजिटिव वाले कंडक्टर को मैं रिमूव करूंगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस क्या होगा रिपल फोर्स लगेगा, और रिपल फोर्स होने की वजह से टोटली क्या हो जाएगा ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये देखिए, तो ये क्या हो गया टोटली फाइनली, और ये क्या हो गया चार्ज, फाइनली बॉडी चार्ज, फाइनली बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी। तो दिस वाज द इंडक्शन मेथड। सो अगेन इंडक्शन मेथड में आप इतना पॉइंट याद रखिएगा, इंडक्शन मेथड काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच द बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी यहां पर मैंने राइट किया फिजिकल कनेक्टिविटी। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन के एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाया कि ये बॉडी क्या है न्यूट्रल है, इसको चार्ज करना सबसे पहले क्या करना था, अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसके पूरी नेचर का लेकर आना कंडक्टर प्लेट, इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो मैंने प्लस वाला लेकर आया, तो जैसे प्लस को लेकर आते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है इसको पोलराइज कर देगा, इसके प्लस को दूर फेंकेगा दूर रिपल कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा कैप्चर कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में हो जाएगा, अब जो प्रोटॉन है इस साइड में हो जाएगा। अब इसको मैंने कहा प्रोटॉन को हटाओ भैया, तो प्रोटॉन कैसे हटाओगे इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ये क्या होता है ग्राउंड का सिंबल होता है याद रख लीजिए आप इसे, ये क्या है ग्राउंड, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे कंडक्टर सॉरी बॉल के अंदर, ओके जो हमें गिवन कंडक्टर है, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहां पे पॉजिटिव क्या हो जाएंगे सब न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा सिर्फ निगेटिव बचेगा, तो निगेटिव देखो यहां पर बच गया और मैंने ग्राउंड को हटा दिया। ओके, तो जब इसको हटाओगे प्लस वाले प्लेट को, जब कंडक्टर प्लेट को हटाओगे तो इसको हटाने पर क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपल करेंगे, और रिपल होने की वजह से ये क्या करेंगे पूरे बॉल के अंदर ये गिवन कंडक्टर के अंदर ये स्प्रेड हो जाएंगे फाइल जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कहीं पर भी कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ना यहाँ पे कनेक्शन मैंने किया
ना यहां पे कनेक्शन किया ना यहां पे कनेक्शन किया, कहीं पर भी कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो यही जो प्रोसेस होता है बच्चों क्या होता है, इंडक्शन मेथड। तो इफ एनी वन आस्क यू व्हाट इज द इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, सो यू विल टेल हिम इट इज द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग इन विच द बॉडी, इन विच द बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी। ओके स्टूडेंट,